हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले मैं आपके लिए जीके पढ़ाता था और आज भी मैं आपके लिए जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उज्जैन संभाग के बारे में। इसके पहले मैं आपके लिए इंदौर संभाग पढ़ा चुके हैं, उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से समझ जाइएगा या पढ़ लेना उसके लिए। तो उज्जैन संभाग के बारे में समझते हैं। उज्जैन संभाग में टोटल 8 जिले आते हैं और इन जिलों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उन 8 जिले कौन कौन से आते हैं उनके नाम मैं बोर्ड पर लिखे देता हूं, तो उनको समझने का प्रयास करिए। मैंने आपके सामने उज्जैन संभाग के 8 जिले लिख दिए हैं, इनको समझने का प्रयास करिए कौन कौन से 8 जिले आते हैं। सबसे पहले नंबर इसमें उज्जैन आता है, फिर देवास आता है, रतलाम आता है, मंदसौर आता है, फिर नीमच आता है, फिर इसके बाद में शाजापुर आता है, शाजापुर के बाद में आगरमालवा आता है और आगरमालवा के बाद में पहले इसमें उज्जैन संभाग में टोटल 7 जिले आते थे, लेकिन अब 8 जिले आने लगे हैं क्योंकि एक और नया जिला नागदा जो कि कश्मीर आने लगा है। उज्जैन संभाग में एक और जिला जुड़ गया है, कौन सा? नागदा जुड़ गया है। अब इस प्रकार हमने सबसे पहले तो मैं बता दिया है उज्जैन संभाग के 8 जिलों के नाम बता दिए हैं, अब अपन पढ़ेंगे उनको जिले वाइज, तो धीरे धीरे से अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर अपन पढ़ेंगे कौन से जिला के बारे में, उज्जैन जिला के बारे में। तो हम देखते हैं कि उज्जैन जिला में कौन कौन सी चीजें हैं। मैंने आपके सामने उज्जैन जिला के कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत टोटल 8 जिला आते हैं, 8 जिला में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन किसको? उज्जैन जिला को। तो देखो, कोई भी जिला को पढ़ने से पहले उस जिले की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम देखते हैं उज्जैन जिले की जनसंख्या कितनी है। उज्जैन जिले की जनसंख्या है 1986864 व्यक्ति, क्या है यहाँ की जनसंख्या है, मतलब 1986864 यहां की क्या है जनसंख्या है। फिर लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात यहां का 955 है। लिंगानुपात मतलब कहलाता है प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जितनी संख्या है उसे लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात यहां का उज्जैन का लिंगानुपात 955 है। इसके बाद साक्षरता देखते हैं, तो यहां की साक्षरता कितनी है 72.3%, मतलब कुल प्रतिशत का 72.3% यहां की क्या है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व देखते हैं, तो 226 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है 326 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है जनसंख्या घनत्व है। अब देखते हैं जिले का क्षेत्रफल, तो 6091 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या है जिले का क्षेत्रफल है। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो परीक्षा में पूछे जाने गए पॉइंट है या पहले पूछे गए या आने वाले समय में पूछे जाएंगे, उन पॉइंटों को देखते हैं कि उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा शहर है, तो उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे देखते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम, ये प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका या उज्जैनी इसका क्या है प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम क्या है एक बार फिर से सुन लो, अवंतिका या उज्जैनी इसका क्या है प्राचीन नाम है। इसके और आगे मैं फैक्ट लिख देता हूँ, आज अपन पूरा उज्जैन संभाग जिला पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मैंने आपके सामने उज्जैन जिला के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो और आगे देखते हैं अपन कि महाकाल की नगरी और मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। मंदिरों एवं मूर्तियों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, उज्जैन जिला में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है, उज्जैन जिला में है, जो कि कौन सी दिशा में है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहलाता है ये। आगे देखते हैं उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात, उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात एक मेला लगता है, जिसे हम कौन सा मेला कहते हैं, सहस्त्र का मेला कहते हैं, या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कुंभ के नाम से जानते हैं। तो ये वाला पॉइंट उसी से संबंधित लिखा है। अब देखते हैं उज्जैन में एक आश्रम है, उज्जैन में शांतिपनी आश्रम है, जहां पर भगवान कृष्ण ने, उनके बड़े भाई बलराम ने और ब्राह्मण सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये शांतिपनी आश्रम कहां पर है, उज्जैन में है।
मैंने आपके सामने उज्जैन जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास कीजिए कि तो 600 ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में शामिल अवंती की राजधानी कौन थी? उज्जैन हुआ करती थी। तो जो भारत के 16 महाजनपद थे उनमें से अवंती की राजधानी कौन थी? अपनी उज्जैनी हुआ करती थी। आगे देखते हैं कि जो सम्राट अशोक हैं वो यहाँ के कौन हुआ करते थे? राज्यपाल हुआ करते थे। ये इतिहास से संबंधित प्रश्न बन गया। अब देखते हैं उज्जैन को राजा विक्रमादित्य ने अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आगे का पॉइंट है कि आर्यभट्ट जो महान खगोलाचार्य कहलाते हैं, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार एवं प्रयोग कहां पर किए हैं? अपने उज्जैन में किए हैं। इस प्रकार आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आगे मैं लिख देता हूं। मैंने उज्जैन जिला के आपके सामने कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास कीजिए। तो कुल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? उज्जैन है। जब जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला उज्जैन है तो यही होगा प्रतिशत की दृष्टि से, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार यदि प्रश्न आ जाए कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है तो भी आपका कौन सा हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। अब देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कौन सा है? उज्जैन में है। देखो प्रश्न आता है कि देश का सबसे बड़ा, जब एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है तो यही देश का भी होगा, तो देश का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कौन सा है? उज्जैन में है। अब इसके बाद देखते हैं कालिदास समारोह कहां मनाया जाता है? उज्जैन में मनाया जाता है। एवं कालिदास अकादमी कहां पर है? उज्जैन में है। और टेपा सम्मेलन, एक सम्मेलन होता है, ये टेपा सम्मेलन भी कहां पर होता है? उज्जैन में होता है। इस प्रकार यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने आपके सामने उज्जैन जिला के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने पहले पढ़ा है इतिहास में, या इसके पहले जो पढ़ा है प्राचीन इतिहास, इसको देखते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को बनाया था। तो उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश का विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। और जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में की गई थी। इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, हमारे मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय या एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पर है? उज्जैन में है, जिसकी स्थापना की गई थी 2008 में। अब देखते हैं हम उज्जैन जिला के कुछ पर्यटन स्थल देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर्यटन स्थलों को समझने का प्रयास कीजिए। तो भर्तहरि की गुफाएं कहां पर है? उज्जैन में है। इसके बाद में काल भैरव मंदिर उज्जैन में। एक और कौन सा मंदिर है? महाकाल मंदिर तो है ही, साथ में कौन सा मंदिर है? काल भैरव मंदिर कहां पर है? उज्जैन में है। इसके बाद में साक्षी गोपाल मंदिर उज्जैन में है। इसके बाद देखते हैं जंतर मंतर कहां पर है? उज्जैन में है। फिर चंपा की बावड़ी उज्जैन में है। फिर इसके बाद में हर सिद्धि मंदिर उज्जैन में है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में है आदि। ये सब दार्शनिक स्थल कहां पर है? उज्जैन में है। इस प्रकार आपके लिए मैंने आपके लिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन जिला मैंने संपूर्ण पढ़ा दिया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आगे आपके लिए देवास या मंदसौर, इनमें से कोई एक जिला बढ़ा के बता दूंगा। तो आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।